हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है द अंकल। इस मूवी में हम लोग 19 साल के एक अपाहिज लड़की को देखेंगे जिसका नाम इप्सी है। उसके पैर पैरालाइज्ड हैं और वो पूरी तरह दूसरे पे डिपेंडेंट है। उसकी ना तो कोई फैमिली है और ना ही उसे अपने फैमिली के हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है। कई बार उसके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है, लेकिन एक दिन एक अनजान आदमी उसके घर में आता है जो खुद को उसका अंकल बताता है। क्या वो सच में उसका अंकल है या फिर एक और शिकारी है? तो आइए देखते हैं इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम लोग इप्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पैरालाइज्ड होती है। वो अपने बिस्तर से हिलडुल नहीं सकती है, इसलिए शहर के बहुत से लोग उसका फायदा उठाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। इसके पेरेंट्स की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है, इसलिए उसे अपने फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कुछ सालों से लोकल चर्च के दो ऑफिसर को उसके देखभाल के लिए रखा गया है। इनमें से एक का नाम मिस्टर किम है और दूसरे का नाम जायुंग है, लेकिन वो दोनों अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। जायुंग अपने लाइफ से बहुत परेशान है और वो अपना सारा गुस्सा इप्सी पर निकालती है। वो उसे टाइम पर खाना नहीं देती है और बार बार उसे टॉर्चर करती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर किम, जो कि इप्सी का देखभाल करने के बहाने उसे गंदी नजरों से देखता है और उसे छूता है। इप्सी का अपनी जिंदगी पर कोई भी कंट्रोल नहीं था और वो अपनी जिंदगी को खत्म भी नहीं कर सकती थी। वहीं एक दिन चर्च का एक सीनियर ऑफिसर यहाँ आता है और वो इन दोनों से इप्सी का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक अनजान आदमी इप्सी के घर में आता है जो कि इप्सी का अंकल था और वो जेल से छूटकर यहाँ आया था और वो इप्सी के साथ में ही रहने लगता है। वो अपनी छोटी एज में ही घर से भाग गए थे, लेकिन जब वो वापस लौटा तब उसे ये बात पता चला कि इप्सी के डैड और उसके दादाजी की मौत हो चुकी है। इसके बाद इप्सी और उसकी मॉम अकेले रह रही थी। जेल से आने के बाद अंकल को ये बात समझ में आ जाती है कि इप्सी के साथ यहाँ क्या हो रहा था। वो उसे इन सारे लोगों से बचाता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। वो उसे खुद ही नहलाता है और उसे खाना खिलाता है। वो इप्सी की हर जरूरत पूरा करता है। इप्सी जो पहले बेजान पड़ी रहती थी, वो अब बिल्कुल खुश रहने लगती है और वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने लगती है। लेकिन ये बात मिस्टर किम को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अंकल के यहाँ आने के बाद वो इप्सी के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो चर्च के मैनेजर से ये बोलता है, क्योंकि अंकल जेल से आया है इसलिए इप्सी के साथ उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं है और उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। लेकिन चर्च का सीनियर ऑफिसर उससे ये कहता है, अंकल यहाँ रहेगा या नहीं ये फैसला इप्सी को करना है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इप्सी को अंकल के साथ बहुत अच्छा लगता था और वो अब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है जब एक पुलिस ऑफिसर उसके घर में आता है और वो अंकल से मिलकर ये कहता है कि उसका इप्सी के साथ रहना अच्छा नहीं है। अगर इप्सी को ये बात पता चल गया कि वो जिस रेप और मर्डर केस में जेल गया था वो कोई और नहीं बल्कि इप्सी की मदर थी, अंकल ने ऐसा इप्सी के माँ के साथ किया था, अगर इप्सी को इस बारे में पता चल जाता तब इप्सी पूरी तरह टूट जाती। ये सब सुनकर अंकल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो इप्सी को बाय बोलता है और यहाँ से चला जाता है। अंकल के जाने के बाद इप्सी को बहुत बुरा लगता है और वो चिल्लाकर रोने लगती है और इसकी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही नरक हो जाती है जैसा कि अंकल के आने से पहले थी। एक दिन रात में चर्च का मैनेजर इप्सी के पास में आता है और वो इप्सी को उसके फैमिली के हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। वो बताता है वो उसकी माँ से प्यार करता था। उसके पिता के मौत के बाद जब वो इप्सी के मॉम से बात करना चाहता था, लेकिन तभी उसका अंकल वापस आ जाता है और वो उन दोनों का ख्याल रखने लगा। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। इसके बाद उसने इप्सी के मॉम के बारे में बहुत बुरी खबर फैला दी और उसने ये बात सारे शहर में फैला दिया कि इप्सी की माँ एक गंदी औरत है, वो अंकल के साथ साथ कई और मर्दों के साथ नजायज संबंध रखती है। ये सब जानने के बाद सारे शहर के लोग इप्सी की मॉम को गंदी नजरों से देखने लगते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। एक दिन उसके घर में शहर के लोग आ जाते हैं और वो इप्सी की मॉम के साथ जबरदस्ती करते हैं। तब उसके अंकल को ये बात समझ में आ जाती है कि ये सब अब नहीं रुकने वाला है और ऐसा ये लोग हमेशा करते रहेंगे, इसलिए वो इप्सी के मॉम को ही मार देता है। इसके बाद उसे जेल हो जाती है। सीनियर ऑफिसर इप्सी से ये भी बोलता है कि वो सिर्फ उसका इसलिए ख्याल रख रहा है क्योंकि वो अपनी मॉम की तरह दिखती है। वो इप्सी की मॉम को नहीं पा सका, लेकिन वो इप्सी को नहीं छोड़ने वाला है। जो पुलिस ऑफिसर यहाँ अंकल को धमकी देने के लिए आया था, उसे ऑफिसर ने ही यहाँ भेजा था ताकि अंकल यहाँ से चला जाए और इप्सी उसकी हो जाए। ये सब बोलकर वो ऑफिसर इप्सी के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है, लेकिन तभी अंकल वहाँ आ जाता है और अंकल उस ऑफिसर को मार डालता है। इसके बाद रात में ये दोनों डिसाइड करते हैं जिन लोगों ने भी इनके साथ गलत किया है वो सारे लोगों को मार देंगे। अगली सुबह जब किम और जायुंग यहाँ आते हैं, तब ये लोग जायुंग को मजबूर करते हैं ताकि वो किम को मार डाले, और जायुंग ऐसा ही करती है, वो किम को मार डालती है। रात होने पर जब कुछ लड़के इप्सी को टॉर्चर करने के लिए यहाँ आते हैं, तब अंकल एक एक करके सभी को मार देता है। एक दिन पुलिस ऑफिसर भी सीनियर ऑफिसर को ढूंढते हुए यहाँ आता है। वो पुलिस ऑफिसर भी इप्सी के साथ इंटीमेट होना चाहता था। ये सब जानकर अंकल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। लेकिन यहाँ पर जायुंग और अंकल को भी गोली लग जाती है और इन दोनों की भी मौत यहीं पर हो जाती है। इसके बाद इप्सी इस रूम से बाहर निकलती है और वो अपने मन में ये सोचती है शायद अब उसके साथ गलत नहीं होगा,
और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।